नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाने की घटनाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की सघन जाँच होगी और प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक और मैनेजर का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। साथ ही सीसीटीवी की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी। साफ सफाई और स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में श्री कृष्ण विग्रह के मामले की सुनवाई सिविल जज भव्य श्रीवास्तव की कोर्ट में हुई। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जवाब देने के लिए और समय मांगा। वादी पक्ष सनातन धर्म रक्षा पीठ वृंदावन की ओर से अदालत में बताया गया कि अन्य प्रतिवादियों ने पहले ही नोटिस का जवाब नहीं दिया। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी, जिसमें सर्वे की मांग पर चर्चा की जाएगी। कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर ने मामले की शीघ्रता से सुनवाई की अपील। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार इजराइल जाने वाले कामगारों के कौशल को निखारने और उन्हें प्रमाणित करने के लिए कदम उठा रही है। कामगारों की 30 घंटे की आरपीएल ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही उन्हें अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस पहल के तहत अब तक 6200 लोगों ने पंजीकरण कराया है। चयनित श्रमिक को न्यूनतम 1.37 लाख रुपए वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इसराइल में हिब्रू भाषा के बाद अंग्रेजी का महत्व है, जिससे कामगारों को आम बोलचाल में सुविधा होगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गाजियाबाद में एम्स सैटेलाइट सेंटर और बलरामपुर में KGMU के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना में तेजी लाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टर्स को अच्छे मानदेय और इंसेंटिव देने पर जोर दिया, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी जाएगी। पहली बार नीति में ये प्रावधान किया गया है कि परीक्षा केंद्रों पर केवल भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित DVR और उच्च गुणवत्ता वाले नाइट विजन CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस कदम से विदेशी उपकरणों के बजाय स्वदेशी उत्पादों का उपयोग होगा। इस वर्ष कक्षा 9 और 11 में 54,31,685 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। स्कूलों में संसाधनों की जानकारी अपडेट करने के लिए तहसील स्तर पर समिति को अलग ID दी जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 60,244 सिपाही भर्ती की प्रक्रिया जनवरी तक पूरी होने की संभावना है, लेकिन प्रशिक्षण में देरी का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में 11 संस्थानों में पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण की क्षमता को 2.5 गुना बढ़ाया जा रहा है। फिर भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के लिए दूसरे केंद्रों की आवश्यकता होगी। सरकार ने 3 संभावनाएं रखी है: एक बार में प्रशिक्षण, 2 चरणों में प्रशिक्षण या अस्थायी केंद्रों का विस्तार। DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो 2024 के अंत तक सिपाही फील्ड में होंगे। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ाकर 28 सितंबर कर दी गई है। पहले ये तिथि 20 सितंबर तक थी। वर्तमान में 1,46,012 आवेदकों के पंजीकरण के कारण ये निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 29-30 सितंबर को पोर्टल खुला रहेगा। परीक्षा 10 नवंबर को सभी जिलों में होगी। आवेदन करने वाले छात्रों के परिवार की आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और कक्षा 8 में राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थी एलिजिबल हैं। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक के रूप में देवेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति की गई है। उन्हें 3 साल की प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से नियुक्त किया गया। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने आदेश जारी कर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया। आयोग को पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया गया है। नई नियुक्तियों के सामने असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रशिक्षित स्नातक भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना बड़ी चुनौती होगी, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है।
अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में चर्बी मिलाने के बाद देश भर के मंदिरों में प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। काशी विद्युत परिषद ने पंचमेवा, फल बताशा और रामदाना के प्रसाद अर्पित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। ये व्यवस्था शुद्ध और सात्विक भोग चढ़ाने के लिए की जा रही है। परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने कहा कि ये कदम 30 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अखाड़ा परिषद और संत समिति के सहयोग से जल्द ही नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे प्रसाद की शुचिता सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा अपलोड न करने वाले राजकर्मियों और अधिकारियों को सितंबर का वेतन नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि संपत्ति की घोषणा की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। रिपोर्ट के अनुसार 12 सितंबर तक 8,44,374 में से 7,19,807 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 22 सितंबर तक करीब 90% कर्मियों ने जानकारी अपडेट कर दी है। विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि वे तय समय पर जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।